दास सुखचैन सिंह अतला जनरल सकत्तर श्रोमणी अकाली दल अमृतसर फतेह। अज जो पिछले दिनी भाई अमृतपाल सिंह जी के परिवार वालों एक बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई पंजे तख्तां दा जिहड़ा प्रोग्राम सी वी पंजे तख्तां दे उपर श्री अखंड पाठ साहब प्रकाश करा के भोग पाउण तों उपरंत अरदास समागम कराए जाणगे। अज जिहड़ा दूजा समागम सीगा पर एक हैरानगी दी गल है भी जिहड़ी पंजाब दी भगवंत मान सरकार है ये जकरिया खान तों भी उपर लंघ गई है, सिखां नूं जिहड़े अपने गुरु धामां ते गुरु घरां दे विच अरदास करन तों भी रोक रही है। जिमें कि बीती रात तो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर फतेह दे प्रधान सरदार जसकरन सिंह जी कान सिंह वाला कल असी कट्ठे सी रोडे पिंडो उत्थों आउंदे होए पार्टी दे जथेबंधक सकत्तर प्रगट सिंह मखू दे घरे उन्हां नूं रात हाउस रैसट कर रखिया रात का। तो साढ़े लगभग सारे जिन्हें भी वर्कर है जिन्हें भी अहुदेदार है सारा दे घरे छापेमारी की जा रही है। हैरानगी दी गल है भी अज तक अंग्रेज़ों ने भी नहीं कदे किया भी सानू गुरु घरां दे विच जिहड़ा दर्शन करन वास्ते जिहड़ा अरदास करन तों रोकिया गया सी। भगवंत मान साहब दिल्ली दे थल्ले लग के इन्ना ना चलो, ये दिल्ली आ जिहड़ी सिखां वास्ते बिल्ली है, ठीक है। फिर दोबारा भगवंत मान साहब नूं कहणा भी ये जिहड़ियां तुसीं हरकतां कर रहे हो पंजाब सरकार हरकतां कर रही है ये तो बाज आवो, क्योंकि जिहड़े बंदी सिंह ने वो सिखां दे जरनैल ने, असीं बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई जिथे भी कोई प्रोग्राम होगा वध चढ़ के हिस्सा लवेंगे। जिवें हुण परिवार ने अपील की है कौम नूं कि मालवे के जिहड़े तख्त श्री दमदमा साहब विखे 1 दसंबर नूं श्री अखंड पाठ साहब प्रकाश कराए जाणगे ते 3 दसंबर नूं जिहड़े उन्हां दे भोग पाए जाणगे, भोग तो उपरंत जिहड़ा अरदास समागम होवेगा। सो मैं बेनती करदा मालवे के समुच्चियां संगतां नूं कि आपां जिमें अज इन्हां ने रोकां लाईआं हो सकदा है 3 दसंबर वाले समागम नूं भी रोकण की कोशिश करन। आपां कल्ले कल्ले 2 दसंबर की रात नूं ही आपां दमदमा साहब पहुँचण लग जाइए तां कि जिहड़ा समागम है जिमें अज इत्थे बहुत वड्डा इकट्ठ होया जिहड़ा 3 दसंबर वाला समागम है पंजाब का सब तो वड्डा समागम हो निबड़े। यही संगत नूं बेनती है कि 3 दसंबर नूं वड्डी गिणती दे विच तख्त श्री दमदमा साहब पहुँच के बंदी सिंघां की रिहाई दे लई आपां आवाज़ उठाइए। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर फतेह वालों सरदार जसकरन सिंह कान सिंह वाला वालों भी यह बेनती है असी जिहड़ा 3 दसंबर का समागम है उसकी वड्डी पद्धर से तैयारी करके वड्डी पद्धर से संगत लैके पहुँचांगे। दास सुखचैन सिंह अतला जनरल सकत्तर श्रोमणी अकाली दल अमृतसर फतेह। अज जो पिछले दिनी भाई अमृतपाल सिंह जी के परिवार वालों एक बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई पंजे तख्तां दा जिहड़ा प्रोग्राम सी वी पंजे तख्तां दे उपर श्री अखंड पाठ साहब प्रकाश करा के भोग पाउण तों उपरंत अरदास समागम कराए जाणगे। अज जिहड़ा दूजा समागम सीगा पर एक हैरानगी दी गल है भी जिहड़ी पंजाब दी भगवंत मान सरकार है ये जकरिया खान तों भी उपर लंघ गई है, सिखां नूं जिहड़े अपने गुरु धामां ते गुरु घरां दे विच अरदास करन तों भी रोक रही है। जिवें कि बीती रात तो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर फतेह दे प्रधान सरदार जसकरन सिंह जी कान सिंह वाला कल असी कट्ठे सी रोडे पिंडो उत्थों आउंदे होए पार्टी दे जथेबंधक सकत्तर प्रगट सिंह मखू दे घरे उन्हां नूं रात हाउस रैसट कर रखिया रात का। तो साढ़े लगभग सारे जिन्हें भी वर्कर है जिन्हें भी अहुदेदार है सारा दे घरे छापेमारी की जा रही है। हैरानगी दी गल है भी अज तक अंग्रेज़ों ने भी नहीं कदे किया भी सानू गुरु घरां दे विच जिहड़ा दर्शन करन वास्ते जिहड़ा अरदास करन तों रोकिया गया सी। भगवंत मान साहब दिल्ली दे थल्ले लग के इन्ना ना चलो, ये दिल्ली आ जिहड़ी सिखां वास्ते बिल्ली है, ठीक है। फिर दोबारा भगवंत मान साहब नूं कहणा भी ये जिहड़ियां तुसीं हरकतां कर रहे हो पंजाब सरकार हरकतां कर रही है ये तो बाज आवो, क्योंकि जिहड़े बंदी सिंह ने वो सिखां दे जरनैल ने, असीं बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई जिथे भी कोई प्रोग्राम होगा वध चढ़ के हिस्सा लवेंगे। जिवें हुण परिवार ने अपील की है कौम नूं कि मालवे के जिहड़े तख्त श्री दमदमा साहब विखे 1 दसंबर नूं श्री अखंड पाठ साहब प्रकाश कराए जाणगे ते 3 दसंबर नूं जिहड़े उन्हां दे भोग पाए जाणगे, भोग तो उपरंत जिहड़ा अरदास समागम होवेगा। सो मैं बेनती करदा मालवे के समुच्चियां संगतां नूं कि आपां
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 3 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 3 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ।